ओके अस्सलाम वालेकुम साकिब, कहिड़ा हाल? खुश आयो तभी तू ठीक आहीं। ऐं लेट्स स्टार्ट अगेन, 2 into 4 आ जाओ मैसा। सो यस इट्स फाइन नाउ, होप इट्स फाइन नाउ। सो मैसा देयर 4 पर्सन ऑनलाइन। यस अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआओं एंड यू सर? या आई एम फाइन, परफेक्टली ऑल राइट। हाँ था थालू, आपको थालू तो जो सुबह से बैठे हैं पढ़ने के लिए उनको ना पढ़ाऊं? आपको थालू नमूना, छोटे नमूने, आ जाओ आपको थालू, आ जाओ आ जाओ आपको थालू। आय हाय 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 हाय, अरे वाह भाई, बेबी आ गया, छोटा बेबी हमारा, बे छोटा छाल बेबी आ गया। ओहो बेबी छोटे। 7% आर ऑनलाइन, दिस मैसेज इज हिडन फॉर रिव्यू। किसका मैसेज फॉर रिव्यू आया? रिव्यू मैसेज जी बिल्कुल, इसको हाइड ही करना पड़ेगा। ये जो लतीफ़ साहब ने मैसेज किया है जनाब, है वाजी आ गया। हाय उमैसा, वो कह रहा है अपना, हाय उमैसा कह रहे हैं आपको, हाय मैसा आपको कह रहे हैं, हाय हाय। 14 लोग हो गए जी, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान इंसर्जेंसी, बलूचिस्तान क्राइसिस के। ये दे दो साथ साथ खा लो मैसा, ये साथ साथ खा लो, ये ले जाए जी, इसको ले जाए। सो अगर क्वेश्चन आता है ऑन बलूचिस्तान इशू, सो हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन, हमारा जो प्राइमरी टॉपिक होगा वो होगा पीस इन बलूचिस्तान कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट एड्रेसिंग दी कोर इश्यूज ऑफ बलूचिस्तान। सो इस सेक्शन से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो है कि गिव अ डेमोग्राफिक, इसमें प्रॉबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तकरीबन को 10 क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं कि ये 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। भाई सचिन, ओ हाउ आर यू सचिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? इट्स बिन सो लॉन्ग, आपका मैंने मैसेज देखा है अपने चैनल के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि डिस्कस द डेमोग्राफिक्स ऑफ बलूचिस्तान इशू, कि बलूचिस्तान इशू जो है इसकी डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिकली इस इशू को आप डिफाइन करें। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरे एंगल से जो आ सकता है इसके ऊपर है कि गिव हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान इंसर्जेंसी एंड सजेस्ट वे फॉरवर्ड। तीसरा जो इसका एंगल हो सकता है दैट इज़ बलूचिस्तान इज़ कल्चरली डाइवर्सिफाइड, हाउ वी कैन फाइंड अ यूनिफाइड सोल्यूशन, कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ रहती हैं एथनिसिटीज़, तो आप उन सारों को यूनिफाई करके एक सोल्यूशन कैसे प्रपोज करेंगे। अगला जो इसका टॉपिक हो सकता है वो बलूचिस्तान इशू को इकोनॉमी के साथ अटैच करके वो पूछ सकता है कि हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान कैन बी अ सोल्यूशन ऑफ इट्स इंसर्जेंसी, के अगर आप बलूचिस्तान को इकोनॉमिकली इंगेज करें तो क्या उस बेस के ऊपर आप बलूचिस्तान इशू का कोई हल निकाल सकते हैं। हाउ वुड यू कोरिलेट ह्यूमन राइट्स, अलेज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। तो एक क्वेश्चन जो और इसके ऊपर एक एंगल से आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर द फ्यूचर अमिड्स राइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। सो बलूचिस्तान के टॉपिक के ऊपर जहाँ कहीं से भी सवाल आएगा उसमें 3-4 एंगल जो मिक्स करके वो बलूचिस्तान के इशू को इकॉनमी के साथ रिलेट कर सकता। नहीं हूँ मैं ऐसा, नीचे नहीं गिराओ बेटा, क्या कर रहे हो, नीचे थोड़ी गिराते हैं। नो नीचे नहीं गिराना, खा लो खा लो। तो बलूचिस्तान के इशू को वो बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है उसको वो सी पैक से रिलेट कर सकता है, बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है उसको वो इकोनॉमी से रिलेट कर सकता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं बलूचिस्तान में जिसकी वजह से ये इंसर्जेंसी है। सो प्राइमरली बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के ऊपर जैसे भी जिस टाइम पर जी बाबा वॉशिंग डूडू, ठीक है बाबा वॉशिंग डूडू कर रहे हैं, हाँ यस बाबा वॉशिंग डूडू कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने जिस वक्त क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे करेंसी से शुरू करना है। करेंसी, हाँ देख लिया बेबी मैंने, करेंसी ऑफ द टॉपिक जो है ना दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा तो वो नॉर्मली उसको सेट करता है फ्रॉम द एंगल ऑफ
कि व्हाट वाज सो करंट इन दैट टॉपिक दैट द एग्जामिनर हैज सेट दिस टॉपिक फॉर यू, हैज सेट अ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक. सो वो इंसर्जेंसी जो है रीसेंट जो भी, हाँ बेटा मैं उधर बात कर रहा हूँ, रीसेंट जो भी कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी वो उसी एंगल से ही आपसे पूछेगा. मसलन बलूचिस्तान का जो क्वेश्चन है वो आजकल इस वजह से सेट हो सकता है क्योंकि बिल्कुल कल एक जो फरारी है कैंप का जो चला रहा था, BNA एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने, जिसका जो हेड था बंगुल जई ने कल अपने 60-70 लोगों के साथ सरेंडर किया है बिफोर द पाकिस्तान आर्मी. सो अगर आजकल में एग्जामिनर जो है, मामा के पास जाना है, चलो जाओ. सो अगर आजकल में एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है और उसके साथ साथ जो फरारी कैंप्स वाले हैं वो अपने आप को सरेंडर भी कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं. एक इस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है और इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है अगर आजकल में वो क्वेश्चन सेट हो रहा है. साइड बाय साइड बलूचिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि इंसर्जेंसी इज़ ऑन द राइज, रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी जगह के ऊपर हमला हो रहा होता है. तो रोज़ाना तो नहीं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े सवीर किस्म के अटैक्स हुए, तो उस वजह से भी वो रेलिवेंसी और रिसेंसी की वजह से भी वो ये क्वेश्चन सेट कर. आप इंडिया पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस पर कब वीडियो बनाएंगे? इंडिया पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस एक्सप्रेस के ऊपर मैं बहुत जल्द सचिन भाई वीडियो बनाऊंगा. आपने, आपकी बहुत पुरानी रिक्वेस्ट है इसके ऊपर एंड आई डू अग्री के इसके ऊपर वीडियो जो आनी चाहिए. मैं बस ये CSS PMS जैसे आपके यहाँ IAS ऑफिसर होते हैं मैं बस उनको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे. हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो फ्री बस थी उसके ऊपर भी बात करेंगे, हम दोस्ती बस के ऊपर भी बात करेंगे और हम समझौता एक्सप्रेस के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे. तो एक तो करंसी इसकी ये है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करते हैं करंट अफेयर के पेपर में तो आप सबसे पहले करेंसी ऑफ द टॉपिक देते हैं कि वाई. मैंने कई बार, हाँ आपने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि वाई दिस क्वेश्चन वॉज सेट, तो उसका बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल कल की है कि बंगुल जई हु वॉज द लीडर ऑफ BNA अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज सरेंडर्ड बिफोर पाकिस्तान आर्मी ऑन 20th of December 2023 अलॉन्ग विद 70 ऑफ हिज कंपेनियंस and he has requested all those who are involved in insurgency in Balochistan to please come back to the national spectrum. आप यहाँ से शुरू करेंगे. या इससे पहले एक गुलजार इमाम शंबे नाम का बंदा था जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था और उसको ट्रैप किया गया था, उसको ट्रैप करके एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उसको पकड़ा गया था और फिर उसने भी यही इस तरह की स्टेटमेंट दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी लोग पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं फरारीज, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि वो वापस आ जाएं इनटू मेन स्ट्रीम नेशनल स्पेक्ट्रम. सो करेंसी से आप शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो टेक्निकली जब आप इंट्रोडक्शन करेंगे शुरू, तो एक तो बहुत सारी इंट्रोडक्शन करने की जो है वो एक तो इंट्रोडक्शन लिखने की बहुत सारी टाइप्स हैं. आप अगर कोई कोई टेक्निक को वहां से कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन से, अगर कोई और कोई कोई डेफिनेशन से आप उसको शुरू कर सकते हैं, बट इन बलूचिस्तान केस बट आई वुड रिकमेंड कि आप इंट्रोडक्शन उसका शुरू करें बैकग्राउंड से, कि पहले आप बलूचिस्तान का बैकग्राउंड दें कि बलूचिस्तान बेसिकली डेमोग्राफिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रेजेंटली, या पास्ट से उसको शुरू कर लें. तो प्रेजेंटली अगर आप उसको बताएंगे तो फिर आप थोड़ा सा उसको पास्ट का टच दे के उसको बताने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान हैव never remained one single entity even during the British time as well. British के time में बलूचिस्तान की चार princely states होती थी, चार रियासतें होती थी और एक जो northern side थी
उसके ऊपर बलूचिस्तान में ब्रिटिश का एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो चार थी। जैसे ही आप कराची से बाहर निकलते हैं तो पहली जो स्टेट आती है दैट इज लसबेला, ये प्रिंसली स्टेट होती थी, इसका अपना खान होता था। उसके साथ आगे ऊपर आती थी कल्लात, कल्लात डवीन जो अभी भी इस वक्त भी डवीन है, इसमें खान ऑफ कल्लात होता था। फिर खारान डवीन थी और मकरान डवीन थी। मकरान बिल्कुल ये मकरान कोस्टल हाईवे गवादर तक, मकरान कराची से निकलते साथ लसबेला, टू नंबर थ्री खारान और नंबर फोर कलात। तो ये चार प्रिंसली स्टेट्स होती थी विच वर कंप्राइजिंग 40% पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान। इसके अलावा जो दूसरा सेटअप होता, अब ये जो थी इनका अपना सिक्का राजुल वक्त था, इनका अपना खान था, इनकी अपनी हुकूमत थी, जस्ट लाइक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश, जस्ट लाइक जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हर रियासत जो है उसका अपना लॉ है, अपना उसका कानून है, अपनी उसकी रियासत है। सिर्फ रुपी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है वो इकट्ठा है, जो डिफेंस है उनका वो इकट्ठा है, जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो उनके इकट्ठे हैं, बाकी नीचे रियासत अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि वो जो भी लॉ अपना बनाए, जो भी लॉ अपना पास करे। सेम इज़ द केस हेयर कि ये जो चार रियासतें थी लसबेला, खारान, मकरान और कल्लात, इनका अपना लॉ था, अपना सिक्का था, अपना झंडा था, अपना कौमी तराना था। सिर्फ ब्रिटिश सरकार के अम्ब्रेला के नीचे ये चार रियासतें थी। जो बाकी ये जो चारों रियासतें थी ये मिल मिला के बनती थी टोटल 40% ऑफ द एरिया ऑफ प्रेजेंट बलूचिस्तान। इस वक्त आपको पता 40-45%, 44% तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का है। तो ये जो 100% अगर आप बलूचिस्तान को ले लें तो ये खाली चार रियासतें जो थी ये 40% उसका थी, मतलब 10% ऑफ द एरिया ऑफ करंट बलूचिस्तान वो एक रियासत के पास था। कलात सबसे बड़ी रियासत थी, एक प्रिंसली स्टेट्स थी। दूसरा जो ऊपर वाली साइड थी जो पश्तून बेल्ट, एलोर अलाई है, मूसा खेल है, क्वेटा है, ज्यारत है, योब है, किला सैफुल्ला है, पिशीन है, चागी वाली साइड है, ये सारा मिल मिला के यहाँ पे एक ब्रिटिश का चीफ कमिश्नर बैठता था जो इस सारे एरिया को, मतलब जैसे आज का कह लें कि एक कमिश्नर होता है, उस तरह का एक कमिश्नर उन्होंने बनाया हुआ था जो रिमेनिंग 60% ऑफ दी लैंड एरिया को वो डील करता था। कमिश्नर था, फिर उसके नीचे दायरे डेप्टी कमिश्नर थे और असिस्टेंट कमिश्नर थे और ये सारा इस तरह से होता था। तीसरी जो फैक्शन थी दैट वॉज वन स्मॉल फैक्शन दैट वॉज कॉल्ड ग्वादर। एक ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, दूसरी चार रियासतें और तीसरा जो था वो गवादर था विच वॉज विद रियासत ऑफ ओमान। ओमान ने इसको ख़रीद रखा था और ये तीन उस वक्त स्टेक होल्डर थे प्री पार्टीशन जिनके तहत बलूचिस्तान का निज़ाम चलता था। चीफ कमिश्नर, चार प्रिंसल स्टेट्स और तीसरा गवादर। अब इसको जब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो साथ इसमें आपने ये टच दे देना है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया देयर वर 12 प्रिंसली स्टेट्स हु ज्वाइंट पाकिस्तान। चार उसमें बलूचिस्तान की थी और बाकी आठ जो है वो पूरे पाकिस्तान की थी, जिसमें से जिस रियासत ने सबसे पहले ज्वाइन किया वो बहावलपुर की रियासत थी। आपको पता है पाकिस्तान जैसे बना तो जो पहली तनख्वाह थी वो रियासत ऑफ बहावलपुर का आ जाता है, रियासत ऑफ बहावलपुर जो थी उसने पेमेंट की थी उसकी बहावलपुर के साथ, क्योंकि बहावलपुर के जो नवाब थे वो अब्बासी थे। और नीचे दूसरी जो रियासत जिसने ज्वाइन किया दैट वॉज खैरपुर स्टेट। खैरपुर स्टेट आज भी उसी तरह की रियासत है जिस वक्त उस तरह की वो हुआ करती थी। आठ इसकी तहसीलें हैं इस वक्त, बल्कि हो सकता नौ हो गई, और उसी तरह से इंटैक्ट है। बहावलपुर के बाद इन्होंने ज्वाइन किया, बहावलपुर सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी और बहावलपुर इतनी बड़ी रियासत थी कि आज प्रेजेंटली इसके 10 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहावलपुर इटसेल्फ, रेमियर खान और बहावल नगर। तो ये तीन जिलों को मिला के एक रियासत हुआ करती थी। दूसरे नंबर पे जिसने ज्वाइन किया उसका नाम था खैरपुर स्टेट। खैरपुर की रियासत, ये दोनों अब्बासी होते थे ऊपर भी और नीचे भी, बहावलपुर में भी अब्बासी थे और ये भी अब्बासी थे, खैरपुर वाले भी अब्बासी, ये नीचे वाले जो अब्बासी हैं सिंध वाले ये अब्बासी भी कहलाते थे, टालपुर भी कहलाते थे, नहीं कलहोड़ो और अब्बासी वहाँ पे सेम है, सॉरी आई एम मिक्सिंग इट अप। तो ये दो रियासतें थीं बहावलपुर, खैरपुर, फिर सबसे ऊपर चले जाएं चित्राल ने ज्वाइन किया, ये भी प्रिंसल स्टेट थी।
सवात ने ज्वाइन किया, हुंजा ने ज्वाइन किया, नगर ने ज्वाइन किया, अम्ब आम्ब और फुलरा ये दो रियासतें थी। हुंजा और नगर जो है ये तो आपको पता है, ये तो वहाँ पे थी अपना उसमें क्या नाम है उसकी गिलगित बल्तिस्तान की। अम्ब और फुलरा दो छोटी छोटी रियासतें थी, 40-40 गांव थे इसमें, 20 छोटे छोटे गांव। अम्ब और फुलरा ये मानसेरा में, आजकल के भी मानसेरा में ये जगह वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये दो छोटी छोटी रियासतें थी जिन्होंने जवाब ज्वाइन किया, और उसके बाद दीर ने ज्वाइन किया, और फिर आखिर में लसबेला ने, मखारान ने, मकरान में, और सबसे आखिर में जिस रियासत ने ज्वाइन किया दैट वॉज कलात। आपको याद होगा कि कायद अजम लहरामा जो हैं उन्होंने फ्लाई किया था, और फ्लाई करके जो है वो तशरीफ लेके गए थे खान ऑफ कलात के पास, और वहाँ पे फिर खान ऑफ कलात ने एक्सेशन का एक अग्रीमेंट साइन किया था विद कायद अजम लहरामा, और साथ ही एक्सेशन का ऐलान किया था कि हम अब पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। अब आगे ये बात कि आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब जो क्वेश्चन का एंगल जिस एंगल से बनाया हुआ है उसने, अब उस एंगल के पाकिस्तानी बाबा, ठीक है जी, अब जिस एंगल से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर तो उसने सी पैक को रिलेट किया है, तो अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट जो है वो सी पैक के अकॉर्डिंगली आएगी। अगर उसने रिलेट किया हुआ है विद द रेफरेंस ऑफ डेमोग्राफी या इकोनॉमी या इंसर्जेंसी को, जिस एंगल से भी उसने किया उसको आपने थीसिस स्टेटमेंट में लेके आना है। थीसिस स्टेटमेंट में इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये वो एंगल है जिस एंगल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका आगे क्वेश्चन का रन डाउन होगा जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन को बेस करना है, ये वो लाइन है जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, थीसिस स्टेटमेंट में, इंट्रोडक्शन के आखिरी पैराग्राफ में आपने पे करनी। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको इंसर्जेंसी से मिला सकते हैं उसको। बलूचिस्तान बीइंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री इज इन, मैंने एक लिखी हुई छोटी सी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बलूचिस्तान बीइंग हाफ ऑफ द कंट्री हैज़ रिमेंड इन अ कंटिन्यूस कल्होड़ो आबासी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही करें, कल्होड़ो आबासी। मैं बेसिकली वो टालपुर को मिक्स कर रहा था आबासियों के साथ, सो यस कल्होड़ो और आबासी दे आर 100% सेम, यू आर राइट। ये जो खैरपुर वाले थे ये टालपुर थे, और ये जो बहावलपुर वाले थे ये अबासी थे, एंड दे हैड देयर रिश्तेदारी एज वेल। बलूचिस्तान बीइंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री इज इन अ ग्रिप ऑफ इंसर्जेंसी विच हैज़ रिफ्यूज्ड टू फेड डिस्पाइट पैसेज ऑफ डेकेड्स, सदियां गुजर गई हैं, ये काम चल रहा है। कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान आर मल्टी लेयर्ड एंड रूटेड इन इट्स सोशल, द कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान आर मल्टी लेयर्ड एंड बेस्ड इन इट्स सोशल, political, economic and demographic features. The causes of insurgency in Balochistan are deep rooted in social, society के अंदर भी अब उसकी roots चली गई हैं insurgency की, economic वो लोग ये समझते हैं कि हमारा हक खाया जा रहा है, political उनकी politics भी इसी के ऊपर चलती है, and demographic कि उसमें अब factions बहुत ज़्यादा आ गई हैं, हर faction अपना ऐसा demand करती। Consequently the province is still facing law enforcement issue affecting the federal scheme of things. It is crucial to address the cause of insurgency on evidence-based policies. बुके से थोड़ा सा आपने हटके करना है कि आप जो policies बना रही हैं उनका आप impact assessment करें कि इससे impact कितना आया। On evidence-based policies and strategies to mitigate the insurgency and its far-reaching impact on the कंट्री, राइट। अब आपने ये इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन में आपने बेसिक्स भी उसकी कवर कर ली, प्लस उसकी आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दी। अब आप कोई भी जो इशू होता है उसकी आप हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दें कि ये इशू यहाँ तक पहुँचा कैसे। मसलन आप गाजा के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे और थोड़ा सा आप उसका बैकग्राउंड देंगे कि अरब इसराइल वॉर इसमें हुई, ये काम स्टार्ट कहाँ से हुआ, और जो प्रेजेंट पोजिशन है इस तक कैसे पहुँचा, थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड उसका देना होता। सो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे बलूचिस्तान इंसर्जेंसी का कि ये कैसे शुरू हुई। जब भी आप किसी भी इशू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको पुट करेंगे सो इट वुड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एड्रेस ऑल दैट हिस्ट्री इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
आपका सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। सो बेहतर ये है कि इश्यूज जितने होते हैं वो बड़े लॉन्ग इश्यूज होते हैं। कश्मीर इशू की वगैरह बात कर लें, आप हर साल लिखना शुरू कर देंगे, ए साल ये हुआ, 47 में ये हुआ, 48 में ये हुआ, 49 में ये हुआ, तो वो आपका क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और आप जो असल उसने सवाल आपसे पूछा है, कॉजेज पूछे हैं या रेमेडीज पूछी हैं आपका, वो मिस हो जाएंगे। सो आप कोशिश करेंगे हिस्ट्री जब भी आप किसी चीज़ की देती हैं आप उसको डिवाइड कर लें इनटू मतलब पार्ट्स, इनटू पोर्शंस, इनटू डेकेड्स। तो जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है उसको भी आप 3, 4 या 5, 6 में वेव्स में डिफाइन कर लें। मैंने जो इसको किया था, मैंने इसको 4 वेव्स में किया था कि 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बलूचिस्तान की जो है वो इंसर्जेंसी हुई थी। एक पहला जो था, जो जैसे ही पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया कायद अजम अली रहमा और खान अफकलात ने, तो खान अफकलात का जो छोटा भाई था उसने साथ ही बगावत का ऐलान कर दिया था, तो पहली इंसर्जेंसी तब हुई थी। दूसरी इंसर्जेंसी हुई थी 1960s में, तीसरी हुई थी 73 में जब वन यूनिट ख़त्म करके आपने बलूचिस्तान को वो उसके इलेक्शंस के बाद उसकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था। और चौथी जो वेव आई थी वो तब आई थी जब अकबर बुट्टी को शहीद किया गया और उससे लेके आज तक जो है वो आपकी वो वेव जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी। सो फर्स्ट वेव जो है वो आई थी 1948 में जब खान अफ कल्लात ने जैसे ही एक्सेशन किया, तो एक्सेशन के साथ ही जो उसका छोटा भाई था उसने कहा कि जी नहीं, मैं इस एक्सेशन को नहीं मानता, खान अब्दुल करीम खान, और उसने एक रिबेलियन का आगाज़ किया अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसने एक नारा लगाया ग्रेटर बलूचिस्तान का कि हम ग्रेटर बलूचिस्तान बनाएंगे, सिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इन सारों को मिला के, अफगानिस्तान में भी जहाँ की बलोची रहते हैं उनको मिला के हम एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाएंगे। तो उस वक्त मेजर जनरल अकबर खान थे, उनको ऑर्डर दिया गया जो कि वहाँ पर उसी जगह प्लेस थे, और उनको कहा गया कि आप इस बगावत को कुचलें। उन्होंने कुचला, प्रिंस करीम जो है वो पकड़ा गया और उसके बाद उसको मच जेल में और क्वेटा जेल में रखा गया जहाँ पे वो 1948 में ही उसकी डेथ होगी। तो ये फर्स्ट वेव थी। सेकंड वेव जो थी वो आई थी वन यूनिट के बाद, मतलब 1955 में पाकिस्तान ने कहा कि जी वो एक वन यूनिट बनाना है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वो वन यूनिट होगा और ये वन यूनिट बना दे मिला के सारे सूबे मिला के, तो एक वन यूनिट बनाया गया। जब वन यूनिट बनाया गया तो उस वक्त के जो खान अफ कल्ला थे, खान अहमद यार खान, उन्होंने कहा कि 58 में यार ये हमारी तो शनाख्ती ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो है वो एक 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 बगावत का ऐलान किया, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने 1958 में जैसे ही वो शुरू हुआ, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया तो आर्मी ने उसी वक्त टेक ओवर कर लिया था कल्लात पैलेस का और साथ ही बगावत को कुचल दिया गया। उस वक्त नौरोज खान थे, ये खान अफ कल्लात को अरेस्ट कर लिया गया, नौरोज खान थे जहरी ट्राइब के, उन्होंने जो है वो बगावत की और बाद में फिर जब फौज ने उनको घेर लिया तो उन्होंने सरेंडर किया। जब उन्होंने सरेंडर किया तो बाद में हैदराबाद जेल के अंदर उनकी भी डेथ हो गई बैक इन 1964। तो ये जब डेथ हुई तो दोबारा से फिर एक इंसर्जेंसी की वेव जो है वो चली और उसके साथ ही ख़त्म हो गई। नौरोज खान की डेथ के बाद जो है वो एक एक बंदा था शेर मोहम्मद मरी। शेर मोहम्मद मरी ने क्या किया कि उसने एक फरारी, ये जो आप फरारी का वर्ड सुनते हैं, फरारी कैंप, फरारी कैंप, फरारी कैंप, ये पहली दफ़ा उसने कॉइन किया था। फरारी जो है या फरारी जो है ये वर्ड है बलोची और उसका मतलब होता है मैन विद सम ग्रीवेंस। तो उसने ये वर्ड यूज़ किया था 1962 में और फिर फरारी कैंप्स चले और ये सारी मूवमेंट जो है ये फिर तकरीबन को अगले 10 साल जो है वो चली। उसके बाद आ गई थर्ड वेव। थर्ड वेव शुरू हुई थी 1970s में जब बलूचिस्तान में पहले इलेक्शंस हुए। पहले इलेक्शंस हुए, सरदार अताउल्लाह खान मैंगल ने हुकूमत बनाई और हुकूमत बनाने के साथ ही उनकी हुकूमत को टॉपल किया गया, उनकी हुकूमत को गिराया गया और नवाब अकबर खान बुगटी जो थे